नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, पूर्णिमा विशेष दिन होता है माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का और आपके घर के अंदर सौभाग्य लाने का। पूर्णिमा का दिन दोस्तों ऐसे ही आपके कार्यों को नहीं बनाता है। पूर्णिमा को कुछ आपको भी ध्यान रखना होता है, कुछ कार्य विशेष का। अगर आप पूर्णिमा के दौरान कुछ अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर देवी देवता आपके घर के अंदर आगमन कर जाते हैं और आपके घर के अंदर वो स्थायी वास बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके उलट यह है कि बाकी दिनों के दौरान आप गलती कर लेते हैं तो दोस्तों वह चल जाती है, लेकिन पूर्णिमा के दौरान आपको भूल कर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर के अंदर अक्सर कंगाली बनी रहती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिमा को आपको कौन से गलत काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, पूर्णिमा के दिन चाहे महिला हो या पुरुष हो, आपको देर तक सुबह नहीं सोना चाहिए। पूर्णिमा का दिन दोस्तों सुबह जल्दी शुरुआत करके धरती लोक पर जो देवता भ्रमण करते हैं उनको घर के अंदर आमंत्रित करने का समय माना जाता है, इसीलिए पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगली चीज़, इस बात का ध्यान रखें, पूर्णिमा के दिन दोस्तों माता लक्ष्मी का दिन होता है, स्त्री सम्मान का दिन होता है। पूर्णिमा के दौरान अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता है घर के अंदर, चाहे माता बहन बेटी पत्नी कोई भी हो, पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्यक्ति महिलाओं पर अत्याचार करता है, महिलाओं के साथ मारपीट इस प्रकार का कार्य करता है, तो दोस्तों ऐसे लोगों के घर में कभी भी देवी अपना वास नहीं बनाती है और ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे दर्द हो जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों का पैसा अपने आप ही बर्बादी की तरफ चला जाता है। इसी तरह दोस्तों, पूर्णिमा का दिन सात्विकता का दिन होता है। पूर्णिमा के दिन दोस्तों हो सके तो काले वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दौरान अगर आप रंगीन या काले कपड़ों से उलट अलग वस्त्र पहनते हैं तो आपके घर के अंदर और आपके अंदर सकारात्मकता आती है, पूर्णिमा की रोशनी का आपके ऊपर असर पड़ता है। बल्कि आप काले वस्त्र पहनते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर नकारात्मकता आ जाती है और आपके ऊपर पूर्णिमा की बजाय अमावस्या सा काला अंधकार छा जाता है। इसी तरह दोस्तों, पूर्णिमा के दौरान आपको मांस मदिरा शराब और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है, नशे का सेवन करता है तो दोस्तों ऐसे घरों के अंदर कभी भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपना वास नहीं बनाते हैं, बल्कि पूर्णिमा के दिन ऐसा करने वाले भक्तों के घर अपने आप ही दरिद्रता देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के अंदर भी भगवान विष्णु का दिन है तो आप घर के अंदर खीर बनाएं और अच्छे प्रसाद का निर्माण करें, ना कि पूर्णिमा के दिन आपको नमक ज़्यादा चीज़ें, नमक वाली चीज़ें ऐसी जिनके अंदर नमक ज़्यादा हो और ऐसी चीज़ें जिनके अंदर लहसुन और प्याज हो, ऐसी चीज़ें आपको बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको नमक तो चलो आपको, क्योंकि इस दिन आपको मिठास वाली चीज़ों की ज़रूरत होती है तो नमक आपको इस दिन मिठास नहीं दे पाता है और लहसुन प्याज इस दिन सात्विकता निर्माण नहीं कर पाते, इसी वजह से इस दिन आपको लहसुन प्याज की चीज़ों का भी त्याग कर देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, पूर्णिमा के दिन आपको दाढ़ी बाल नाखून आदि कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन दोस्तों ऐसे काम करने से आपके घर के अंदर की सकारात्मकता चली जाती है और राहु का दोष लग जाता है। राहु और केतु पूर्णिमा के दिन ऐसे घरों को अपना निशाना बनाते हैं जिस दिन उन घर के अंदर दाढ़ी बाल आदि कटवाने का कार्य किया जाता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करना, तुलसी को दीपक जलाना और तुलसी को इस दिन जल देना बहुत शुभ माना जाता है। इसके उलट पूर्णिमा के दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़ने की गलती नहीं करें, क्योंकि दोस्तों यह भगवान विष्णु का दिन है और तुलसी का इस दिन दोस्तों माता लक्ष्मी का वासा माना जाता है, तो इस दिन तुलसी की पत्ती तोड़ना साक्षात लक्ष्मी को नाराज करने के बराबर माना जाता है, तो पूर्णिमा के दिन जितना हो सके तुलसी की पत्ती तोड़ने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह विवाहित लोगों से निवेदन है कि पूर्णिमा के दिन आपको इस दिन संभोग करने या किसी प्रकार का कोई कार्य करने से आपको बचना चाहिए। माना जाता है कि पूर्णिमा के दौरान इस प्रकार का कार्य करने से आपके घर परिवार के अंदर दृढ़ता देखने को मिलती है और परिवार के अंदर जो संतान जन्म लेती है वह आपका कहना नहीं मानने वाली होती। इस दिन दोस्तों आपको भक्तिभाव के साथ अपने समय की शुरुआत करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी
आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।